तो दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पे मैंने एक दिन रात को शूट किया था। बोला था कि यहाँ पे फ्रेंड्स लोगों के साथ अच्छा प्लेस है ये गेट टुगेदर के लिए। तो ये हम फिलहाल दक्षिणेश्वर जा रहे हैं, तो इसी रास्ते पे पड़ता है। तो दोस्तों आए तो थे हम बेलूर मठ में, और जैसे कि हमने जानकारी ली सिक्योरिटी गार्ड से, वो बोल रहे हैं कि अगस्त महीने से बेलूर मठ बंद है। तो अगर अभी कोई आने का सोच रहे हैं तो फिलहाल पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि बेलूर मठ बंद है। तो फिलहाल तो बंद है, कब खुलेगा पता नहीं है। जब भी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तब शायद खोल देंगे। और नॉर्मली इसका टाइमिंग मैं बता दूँ, ये 12 बजे बंद हो जाता है और फिर 4 बजे खुलता है और 6 बजे बंद होता है। सीधा अगर सुबह आ जाते हैं कि बेलूर मठ में 9-10 बजे 11 बजे तक 12 बजे तक यहाँ पे घूम लेंगे, फिर आप फेरी पे करके अंदर से रास्ता है, इधर से भी आगे से भी जा सकते हैं, आगे जो रास्ता है यहाँ से भी जा सकते हैं आप, तो जाके आप फेरी पकड़ के अब उस तरफ जा सकते हैं दक्षिणेश्वर में। तो इसी फेरी घाट पर आना पड़ेगा। पिलर्स में जो मोर के स्टिकर्स वगैरह या जो भी लगा हुआ है काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। ये मेरे सामने है घाट, आपको यहाँ से सीधा जाके वो आगे जाके वो जो लॉन्च पैड है वहाँ पे जाना पड़ेगा। फेरी खड़ा है तो आप वहाँ से आपको फेरी पकड़ना पड़ेगा। दक्षिणेश्वर का कोई टाइमिंग नहीं है, आप कोई भी टाइम पे आकर पूजा दे सकते हैं। तो वहाँ पे पूजा चलती रहती है, उतना प्रॉब्लम नहीं है। दोपहर में शायद एक बार बंद होता है, जो मंदिर का द्वार बंद करते हैं, फिर वो मतलब चालू हो जाता है, 2-3 बजे करीब चालू हो जाता है। तो दक्षिणेश्वर में आप पूजा दे सकते हैं, बेटर होगा आप सीधा बेलूर मठ आ जाइए अगर आप दोनों साइड का आपका प्लान है। अगर आप एक ही सोच के आएंगे कि दक्षिणेश्वर ही घूमना है तो फिर आप कभी भी आ सकते हैं। अभी हम आ गए वापस से वही हाईवे में जहाँ पे पहले रुके थे, तो अभी फिर से वहीं पे आए हैं, थोड़ा चाय पियेंगे। और भी कुछ प्लान है तो बने रहिए वीडियो में, जाइएगा नहीं, देखते रहिए। आगे देख सकते हैं टी स्टॉल है, इधर ये साइड में बारबेक्यू का दुकान है, तो कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। हम लोग अभी ज़्यादा खाएंगे नहीं, क्योंकि हम लेट से आज लंच किए थे। यह है नॉर्मल स्पेशल चाय और यह है मलाई चाय। इसे छोड़ के भी और भी बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है, आगे वहाँ पे मेन्यू लगा हुआ है। तो हम दक्षिणेश्वर से गए बेलूर मठ और बेलूर मठ से गए बाबा साहब, अभी हम लोग जा रहे हैं घर। हम लोग अभी अभी घर आके पहुँचे, तो आज तो काफ़ी घूम लिए।
हम तो मूव तो क्योंकि एक होता है ना कि दिवाली बोलने से हमारे दिल में एक अलग सी खुशी आती है, मतलब पटाखा मतलब बगड़ा ये सब बोलना है ये बोल। पहले से ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं था कि मतलब इस बार पटाखा वगैरह नहीं फोड़ सकते। इस दिन पहले मतलब हाई कोर्ट ने बोला है कि पटाखे नहीं फोड़ सकते, ठीक है पटाखे नहीं फोड़ेंगे। पता नहीं इस बार जो मम्मी पापा है वो लोग कैसे समझाएंगे अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम बड़े तो ठीक है मान लेते हैं, ठीक है साउंड पोल्यूशन नहीं करना नहीं फोड़ना है तो वो पता है, लेकिन नॉर्मली फुलझड़ी वगैरह मेरे ख्याल से कर ही सकते हैं। तो हम मेरे घर में लास्ट टाइम जो लाया हुआ था पिछले साल का कुछ था, इस बार तो मतलब बाहर कोई भी शॉप था ही नहीं पटाखे की नॉर्मली कि कोई ख़रीद सके। हार्डली अगर किसी को कहीं पे मिला होगा तो पता नहीं है, लेकिन हमारे घर पे था पहले से पुराना लास्ट ईयर का, तो वो मैंने सुबह ही ढूंढ के निकाल के रखा था, तो वही थोड़ा सा। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा सा आप भी देख लीजिए, पटाखे नहीं बोल सकते, थोड़ा सा मतलब जो दिवाली सेलिब्रेशन हमारा तो दोस्तों मैं नहा धो के तैयार हो गया, और अभी आज हमारे जो अतिथि है घर पे उनके तरफ से मटन स्पॉन्सर है, तो मटन लाया गया है, तो मटन अभी बन रहा है। आज का ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड हैप्पी दिवाली, हैप्पी काली पूजा।